ओके दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो है चार्ज पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। देखिए, ये जो चार्ज है वो हर एक मैटर में होता है। कोई भी ऐसा नेचुरल मैटर पृथ्वी पर नहीं है जिसके अंदर चार्ज ना हो। तो किसी भी मैटर के अंदर जो ये चार्ज होता है वो क्या है? वो सिंपली, दैट इज नथिंग, सिंपली ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी मैटर में जो विद्युत की मात्रा है, यानी कि जो वैद्युत आवेश होता है आपका, वैद्युत आवेश वो होता है विद्युत की मात्रा। क्या होता है? विद्युत की मात्रा। आप इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसे हम कह दें कि किसी बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 5 लीटर। किसी भी, आप कहीं भी किसी भी प्लेस में या कहीं भी जो हम मात्रा मेजर करते हैं, अगर हम किसी मैटर में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को अगर मेजर करें तो वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब ये विद्युत है क्या? देखिए, हमने शुरुआत क्लास में, स्टार्टिंग क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन ही कॉजेज है करंट के फ्लो होने का। तो आप कह सकते हैं किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उस पर विद्युत की मात्रा क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी भी पदार्थ में, अगर हम इसको क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो मान लीजिए अगर किसी पदार्थ में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो विद्युत की मात्रा होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी, जो होगी 10^-19 कूलाम। क्या होगी वो? -1.6 × 10^-19 कूलाम, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर विद्युत की मात्रा होगी। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इसमें विद्युत की मात्रा हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा कितना आएगा, 3.2 × 10^-19 कूलाम। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ में 1, 2, 3 ऐसे ही हम निकालते चले जाएंगे, मान लीजिए किसी पदार्थ में ये बढ़ते बढ़ते क्या, किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, उसमें विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी? n × E हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत की मात्रा, ठीक है। तो ये n × E यहीं से आया। अगर किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर विद्युत की मात्रा होगी। किसी इलेक्ट्रॉन में, पदार्थ में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर विद्युत की मात्रा होगी। यानी कि जितने, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उसमें विद्युत की मात्रा होगी। तो ये जो विद्युत की मात्रा है इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हर पदार्थ में विद्युत है, और जो पदार्थ में जितना विद्युत है उसी की मात्रा ही क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो होता है कूलाम होता है। हम इसके और सारे यूनिट पर बाद में हम डिस्कस करेंगे, और सारे कौन कौन से इसके यूनिट होते हैं, लेकिन बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम स्टडी करेंगे। तो आप ऐसा करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं -19 कूलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे।
लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलाम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कूलाम में आपको निकालना चाहिए, इधर आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 1.6 या −90 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.625 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन, और जब इसमें एक पॉइंट आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि एक कूलाम में आपके 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक में मिला हुआ है, इसलिए मैं ये कहाँ से आया इसको मैंने वेरीफाई कर लिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। अब हम इस पर कुछ अन्य बातों पर विचार करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसका बेसिकली जो जेनरेशन है वो फ्रिक्शन के थ्रू होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका बेसिकली जो इसका जनरेशन है वो किसके थ्रू होता है, फ्रिक्शन के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि बादलों में तेज़ गड़गड़ाहट होती है, तेज़ गर्जना होती है, लाइटनिंग जिसको कहते हैं, जब हम बहुत तेज बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ होता क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे अर्थ का जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो बारिश होती है जो नमी है वो पूरा कंडक्टर का काम कर देती है, कंडक्टर का काम होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, जिससे हमें क्या लग जाता है, शॉक लगने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए अगर ये लाइटनिंग का इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे हो गया तो कंडक्टर जहाँ जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है या आपके घर में जिस ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट उस पर उसका अटैक होगा और वो जो है जलकर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर अर्थ वायर लगाया जाता है कि जब लाइटनिंग हो, लाइटनिंग का इफेक्ट हो तो सीधे अर्थ पे ही हो, फेज प्रवाह पर ना हो, ताकि उससे जुड़े ऑपरेटर्स जो है डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए सबसे ऊपर वो अर्थ वायर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसका जो जनरेशन होता है फ्रिक्शन ही होता है। आपको अगर इसका प्रैक्टिकली स्टडी करना है तो आप इसको ऐसे रगड़िए, रगड़ के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाइए तो वहाँ पे उसमें अट्रैक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि फ्रिक्शन से कैसे चार्ज जो है जनरेट हो जाता है। अब जैसे एक ग्लास लीजिए, सिल्क का कपड़ा लीजिए, जब ग्लास को सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क में क्या हो जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, समझ में आई बात। तो इस प्रकार जब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ग्लास से तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस प्रकार से चार्ज का जनरेशन बेसिकली होता कहाँ से है, तो फ्रिक्शन से होता है। हम दो प्रकार के चार्ज देखते हैं, एक चार्ज होता है जो स्टैटिक होता है और एक चार्ज होता है जो मूव करता है, गति करता है। तो जो चार्ज स्टैटिक होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। जैसे आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल कैपेसिटर है, मैंने बताया था पिछले वीडियो के लेक्चर में कि दो प्लेट होती हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, चूँकि इकट्ठा होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं तो उसमें तार लपेट करके जब उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को भी आप जरूर समझिए। अब हम आगे इससे चार्ज से रिलेटेड कुछ इवेंट पे, कुछ घटनाओं पर विचार कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम देखते हैं वो घटनाएँ क्या हैं। देखिए, बारी बारी से हम इन घटनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, डीप स्टडी हम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लें, क्योंकि जानकारी रहेगी तो ज़रूर ही हमारे काम आएगा। जैसे सबसे पहला इवेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, यहाँ पे हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा इस पर जो आधारित जो घटनाएं हैं वो है आपका हॉल इफेक्ट। क्या है? हॉल इफेक्ट।
देखिए इस पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में, आईटीआई वाले बच्चों के तो नहीं लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉल इफेक्ट, तीसरा हम बताएंगे आपको कूलाम्स ला। इसको कूलाम्स ला, इन तीनों पर हम जो है थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको देखिए, जब हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पे, अनचार्ज्ड बॉडी मतलब कोई अगर अनावेशित बॉडी है, कोई अनावेशित ऑब्जेक्ट है, उसके पास जब हम चार्ज बॉडी को ले आते हैं, किसी आवेशित बॉडी को ले आते हैं, तो जो अनावेशित बॉडी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। हमारी बात को ध्यान से समझिए, जब कोई अनावेशित बॉडी, जैसे मान लीजिए ये है, इसको जब किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में लाएं तो ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। इस घटना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकली क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज मैटर लाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसके पास हम कोई पॉजिटिव चार्ज मैटर यहाँ पे हम ले आएंगे, तो होगा क्या कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और जहाँ बाकी जो स्पेस बचेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ये जो है क्या था, स्टार्टिंग में था क्या, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, लेकिन जब किसी चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया, संपर्क में आया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हो गया ये चार्ज हो गया। तो हम इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के इवेंट को, इस तरह के घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता, यहाँ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते, तब भी यह क्या हो जाता, तब भी ये चार्ज्ड हो जाता। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो इसको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर विचार करेंगे जिसको हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। क्या कहते हैं बाबू, हॉल इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, नाम से आप बिल्कुल मत घबराइए, यह बहुत ही सिंपल है। हम चौथा टॉपिक इसका स्टडी करेंगे, गॉसेस थ्योरम। चार टॉपिक हम इससे संबंधित स्टडी करेंगे। दूसरा हम हॉल इफेक्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको इस समय, हॉल इफेक्ट, इसको भी मिटा देते हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर में ही हम सब चीज स्टडी कर रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, हॉल इफेक्ट। देखिए, मान लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, कोई क्या है, कोई इस तरह का मेटलिक कंडक्टर है, और इसको हमने क्या किया है बाबू, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। क्या किया है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, तो बहुत ही आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होंगे, बहुत ही इजी वे में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे ऐसे, और करंट जो है इसके अपोजिट फ्लो होगी। क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट क्यों फ्लो होता है, हम बताएंगे आगे। आप इसको जानने की अपनी क्यूरियोसिटी को अभी थोड़ा बचा के रखिए, हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं, करंट ऐसे मूव करती है, इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें से मूव होता रहता है, लेकिन जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको रखते हैं, तो होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक लॉरेंज फोर्स एक्टिव हो जाता है। कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स एक्टिव होता हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक किनारे पर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। तो एक डायरेक्शन में कलेक्ट होंगे, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, निगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे जब शेष जो एरिया बचा है वहाँ पे जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा।
तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि यहाँ दो पॉइंट हैं ए और बी, तो इनके अक्रॉस एक प्रकार का क्या जनरेट हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गया। इसी वोल्टेज को ही हम हाल वोल्टेज या VH कहते हैं। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, हम हाल वोल्टेज कहते हैं। और इस तरह की जो इवेंट है, इस तरह की जो घटना है, उसको हम हाल इफेक्ट बोलते हैं। इसका प्रयोग हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये जानने, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की जानकारी के लिए हम करते हैं। को मटेरियल पी टाइप है, को मटेरियल एन टाइप है, इसके थ्रू आसानी से हम मेजर कर लेते हैं कौन सा मटेरियल है, या होल्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हम पता कर लेते हैं किस टाइप का वो मटेरियल है। तो हाल इफेक्ट का बहुत अच्छा खासा यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल में यह जानने के लिए होता है कि वो पी टाइप का मटेरियल है कि एन टाइप का मटेरियल है। उसमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए हाल इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अबाउट द नेचर ऑफ मटेरियल, to understand about the nature of material, this effect is very important. So, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट। इसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जब किसी मेटेलिक प्लेट को के क्रॉस एक सेल को जोड़ देते हैं तो उसमें आसानी से करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन जब उस मेटेलिक प्लेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं तो होता क्या है, उस प्लेट के एक सिरे पर पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे सिरे पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, अर्थात इनके क्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसको हम हॉल वोल्टेज कहते हैं और इस संपूर्ण घटना को हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको हॉल वोल्टेज बताया, हॉल इफेक्ट बताया। हॉल इफेक्ट का प्रयोग बेसिकली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में पी टाइप और एन टाइप की जानकारी के लिए करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स काम करता है, लॉरेंज फोर्स काम करता है। उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या होता है, डिटरमाइन होता है।